हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज में आज हम मोस्ट अवेटेड न्यू लेबर कोड पॉलिसी देखेंगे, न्यू लेबर कोड पॉलिसी 2020, जिस पर आप सभी के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे जिसको लेकर। तो आज के लेक्चर में हम जो पिछले चार लेबर कोड पॉलिसी लेबर कोड्स को जो चार कोड में कोडिफाई किया गया है उन सभी को हम डिटेल में देखेंगे और उन सारे उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे हम जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है, यानी कि जो अमेंडमेंट किए गए हैं और अमेंडमेंट ऐसे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कि हड़ताल की परिभाषा को चेंज किया गया है, कर्मचारी या कार्यकर्ता की परिभाषा को कर्मकार की परिभाषा को चेंज किया गया है, या पेनाल्टी के प्रावधान में जो चेंजेस किए गए हैं उन सभी को हम देखेंगे। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। इस लेक्चर से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। लेबर कोड से जो क्वेश्चन आएंगे वो इस लेक्चर के बाहर, मैं गारंटी लेता हूं कि इस लेक्चर से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। लेबर कोड से अगर न्यू लेबर कोड पॉलिसी से क्वेश्चन आएंगे 2-3, तो वो इसी लेक्चर से आपके कवर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये मेनली जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चार कोड में कोडिफाई किया है सारे लेबर कोड्स को, उसी को देखेंगे। जैसे कि मजदूरी पर कोड, यानी कि कोड ऑन वेजेस 2019, इस कोड को, यानी कि मजदूरी पर संहिता जो बनाई गई थी उसको 2019 में ही पारित कर दिया गया था, लेकिन जो बाकी के 3 कोड हैं, यानी कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी स्वास्थ्य हेल्थ और काम करने की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये कोड जो था 2020, ये बाकी के तीनों कोड जो हैं 2020 में इनको कोडिफाई किया गया है। अब हम डिटेल में इन तीनों को देखेंगे, चारों को देखेंगे। नई श्रम संहिता 2020, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2019 में श्रम कानूनों से संबंधित 29 केंद्रीय कानूनों को समाहित करने के लिए 4 विधेयक पेश किए हैं। अब देखिए इसमें क्या किया गया। सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसमें 29 कानूनों को, यानी कि पिछले 29 कानूनों को, लॉस को कोडिफाई किया गया है चार तरह से, यानी कि चार कोड में कोडिफाई किया गया है। ताकि इससे क्या फायदा होगा, इससे कर्मकारी आपके एम्प्लॉयर को, यानी कि जो बिजनेसमैन है या फैक्ट्री मालिक है, उसको फायदा यह होगा कि अब उसके लिए ये हौच-पौच वाली स्थिति नहीं होगी कि आडंबर है कानूनों का। अब वो चार तरह से चार कोर्ट्स में कैटेगराइज करके सारे कानूनों को रख दिया गया है, ताकि जो कानून जिस कोर्ट से रिलेटेड हो उसको सिर्फ उसी कोर्ट में देखने की जरूरत होगी। तो इसलिए ये एक्ट को लागू करने की दृष्टि से भी सरल है और समझने की दृष्टि से भी सरल है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें जो 29 कानून है जिनको कोडिफाई किया गया है चार लेबर एक्ट में, इसमें जो प्रावधानों में चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे, बहुत से स्टूडेंट्स के, वो ये पूछ रहे थे कि पिछले वाले एक्ट पढ़ने हैं या ये नई न्यू लेबर कोड पॉलिसी पढ़नी है। देखिए आपको दोनों पढ़नी है, क्योंकि लेबर कोड वही है, लेबर जो कानून है, लेबर लॉज वही है, सेम पिछले वाले ही, लेकिन जो चेंजेस किए गए हैं अमेंडमेंट वो 2 तरह से किए गए हैं। एक तो वो सारे लेबर लॉज को चार तरह से, चार कैटेगरी में कोडिफाई कर दिया गया है, पहली चीज, यानी कि उसमें अभी इस चीज को लेकर किसी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है कि लेबर लॉ को ही चेंज किया गया हो। बाकी दूसरा चेंज ये है कि कुछ कुछ जगह पर अमेंडमेंट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम अगर इसका एग्जाम्पल अपना कंपनी अधिनियम से देखें, तो कंपनी अधिनियम क्या था, कंपनी अधिनियम सबसे पहले कब आया था, 1956 में, लेकिन 2013 में कंपनी अधिनियम न्यू आया और पिछले 1956 वाले अधिनियम को रिपील कर दिया गया, यानी कि इसको पूरी तरह से डाइल्यूट कर दिया गया और 2013 में नया अधिनियम बनाया गया। अब उसके बाद से संशोधन आए हैं, यानी कि 2015 में आया, 2016 में आया, 2020 में, 2021 में, ये सारे संशोधन हमने देखे थे। तो हमने, क्योंकि 2013 एक्ट 2013 का ही है कंपनी अधिनियम, लेकिन जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो 2021 में किए गए हैं, कुछ 2020 में, तो एक्ट को 2013 का ही माना जाएगा। कंपनी एक्ट आप जब भी देखेंगे कंपनी एक्ट 2013 ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अमेंडमेंट जो है, जो नई डेफिनेशन किसी वर्ड की अगर चेंज की गई है या कुछ संशोधन किए गए हैं या कुछ प्रोविजंस, यानी कि प्रावधान में कुछ अगर चेंजेस किए गए हैं, तो वो ईयर बाय ईयर या समय समय पर किए जाते हैं। तो इसी तरह इस कानून में भी यही है कि लेबर लॉ तो पिछले वाले ही हैं, लेबर लॉ में कोई चेंजेस नहीं है। मतलब कोई चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लेबर लॉ को ही खत्म कर दिया गया, ऐसा नहीं है। लेबर लॉ को चार कैटेगरी में कोडिफाई किया गया है। दूसरी चीज, उनको जैसे कि मान लीजिए किसी क्लास में हम ये कहते हैं कि 50 छात्र हैं, तो अब सॉरी 50 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें एक तो हमने ये बता दिया कि 50 स्टूडेंट हैं, जैसे कि ये है कि 50 लॉ हैं, लेबर लॉ हैं 50। अब एक दूसरा तरीका है बताने का कि हम ये कहें कि एक कक्षा में 30 छात्र हैं और 20 छात्राएं हैं, तो अब हमने क्या क्या कैटेगराइज कर दिया, इसका मतलब ये नंबर थोड़ी बदल गया, नंबर तो 50 ही है, लेकिन अब हमने कैटेगराइज कर दिया कि 30 छात्रा
बता छात्र बता दिए और 20 छात्राएं बता दी। तो इसी तरह इसको किया गया है कि इनको कोडिफाई कर दिया गया है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको अलग रखा गया है, मजदूरी से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको अलग कोड में रखा गया है, अलग कैटेगरी में, और इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी कि औद्योगिक संबंध से रिलेटेड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशन, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट के रिलेशन, वर्कमैन और गवर्नमेंट के रिलेशन, इन रिलेशंस को अलग कोड में कैटेगरी में रखा गया है, और जो सोशल सिक्योरिटी है उन कोड्स को अलग कैटेगरी में रखा गया है। सोशल सिक्योरिटी में कौन से कोड आते हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इस तरह के जो महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादातर एक्ट हैं। तो ये इस तरह से कोडिफाई किया गया है, लेकिन जो कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं एक्ट के प्रोविजंस में उसको भी हम देखेंगे, और बहुत अच्छी तरह आपको एक एक पॉइंट, इस लेक्चर का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि तीन आधार पर क्या परिवर्तन किए गए हैं। पहला आधार क्या है, सामान्य परिवर्तन। सामान्य परिवर्तन क्या है, उपयुक्त सरकार यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसकी परिभाषा क्या की गई है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए यानी कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ऐसे उपक्रम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए उपयुक्त सरकार, केंद्र सरकार जो है उपयुक्त सरकार होगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा। जो भी अब प्रोविजंस क्या किया गया है, जो भी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनमें जो उपयुक्त सरकार माना जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही माना जाएगा। जैसे कि पहले के प्रोविजन में था कि जो भी उद्यम या जो भी कंपनी जिस स्थान पर स्थापित हुई होगी यानी कि एस्टैब्लिश होगी, उस वो जिस राज्य क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आती होगी, वही राज्य उस कंपनी के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयुक्त गवर्नमेंट होगा। लेकिन अब क्या किया गया है, स्पेशली पीएसयूज के लिए अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो उस क्षेत्र के उस सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए केंद्र सरकार ही, चाहे वो किसी भी राज्य सीमा के अंतर्गत हो, केंद्र सरकार ही उपयुक्त सरकार होगी। ये तब भी लागू होगा जब केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम हो। अब दूसरी इसमें कंडीशन क्या रखी गई है, यानी कि अगर कोई पीएसयू ऐसा है जहां पर गवर्नमेंट की शेयर होल्डर गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 50% से कम की हिस्सेदारी है, तब भी ऐसे मामलों में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो आपको यह हर हालत में याद रखना है यह पॉइंट कि अब केंद्र सरकार का अब पीएसयू के लिए प्रोविजन क्या किया गया है, जो कंसर्न गवर्नमेंट होगी पीएसयू के लिए वो केंद्र सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, ना कि संबंधित राज्य की राज्य सरकार, ऐसा नहीं है। और भले ही उसमें केंद्र सरकार के उस पीएसयू के उस सेक्टर के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर केंद्र सरकार के शेयर 50% से कम भी हैं, तब भी उस कंडीशन में भी केंद्र सरकार ही क्या होगी, हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उपयुक्त सरकार होगी। दूसरा प्रोविजन इसी में, दूर संचार, बैंकिंग, रेलवे, खान, ऐसे विशिष्ट उद्योगों के लिए केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार होगी। यह पहले भी प्रोविजन था, इसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है। यानी कि आपका टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विसेज, रेलवे, माइंस, इन सभी में जो, और स्पेसिफिक उद्योग यानी कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जो कि लिस्टेड इंडस्ट्रीज है केंद्र सरकार के द्वारा, उन सभी ऐसे इंडस्ट्रीज में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, ऐसे प्रतिष्ठानों में, एस्टैब्लिशमेंट्स में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तीसरा, इसमें कोई भी नियंत्रित उद्योग और साथ ही सरकार निर्दिष्ट कर सकती है, यानी कि किसी भी कंट्रोल इंडस्ट्री को, यानी कि कोई भी लिस्टेड गवर्नमेंट लिस्टेड इंडस्ट्री है, अगर यह कंट्रोल इंडस्ट्री है उसमें किसी भी इंडस्ट्री को मेंशन कर सकती है या किसी भी इंडस्ट्री को उसमें से, उस लिस्ट में से रिमूव कर सकती है। तो यह सारा केंद्र सरकार के हाथ में होगा। और नियंत्रित उद्योग कौन से, नियंत्रित उद्योग की परिभाषा किसी भी उद्योग के रूप में की गई है जिसका नियंत्रण व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 में केंद्रीय अधिनियमों के तहत उल्लेख किया गया है। यानी कि ऐसा कोई भी उद्योग, ऐसा कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंतर्गत, इस नियम अधिनियम के अंतर्गत जिसका उल्लेख किया गया है किसी भी उद्योग का, उसको कंट्रोल उद्योग यानी कि कंट्रोल इंडस्ट्री के रूप में परिभाषित किया जाएगा। दूसरा परिवर्तन क्या किया गया है, अभी हम एक एक कोड के बारे में भी देखेंगे। जैसे कि ये चारों कोड हैं, मजदूरी पर संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, हम इनको अलग अलग देखेंगे कि हम सब सारे ही एक्ट में अलग अलग क्या क्या प्रोविजन या क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली कि तीन तरह के इन चारों ही जो कैटेगरी हैं, इन चारों ही कैटेगरी में जितने भी लॉ इंक्लूड हैं उनको तीन आधार पे अमेंडमेंट किया गया है। अभी हम वो आधार देख रहे हैं। पहला आधार क्या देखा हमने, हमने देखा सामान्य परिवर्तन जो कि उपयुक्त सरकार यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा में परिवर्तन है। दूसरा है कारावास के साथ कंपाउंडेबल अपराध। कंपाउंडेबल कौन से होते हैं, ऑफेंसेस कंपाउंडेबल विद इंप्रिजनमेंट। कंपाउंडेबल होते हैं ऐसे अपराध जिसमें अगर दो पक्ष हैं यानी कि दो पक्षों के बीच एक्स और वाई है, अगर इनके बीच किसी तरह का डिस्प्यूट है, तो अगर वो डिस्प्यूट ऐसा है, अगर वो डिस्प्यूट किस कंडीशन में कंपाउंडेबल कौन सा अपराध होता है, अगर ऐसा अपराध जिसमें किसी, अगर मान लीजिए एक्स ने वाई को गाली दी या वाई ने एक्स को गाली दी या इस पर किसी तरह का हमला किया, जैसे हाथापाई की नौबत आ गई, छेड़छाड़ की यानी कि आपका हरासमेंट किया, धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड किया किसी तरह का, अगर इस तरह के केसेस में इन दोनों एक्स और वाई और ये केस
कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन कोर्ट में चलने के दौरान ही एक्स और वाई के बीच में अगर कोई समझौता हो जाता है और वो समझौता ये कोर्ट के सामने पक्ष रख देते हैं अपना दोनों कि हम इस समझौते पर हमने स्वीकार कर लिया है, अब हम ये केस आगे कार्यवाही इसकी बढ़ाना नहीं चाहते, हम इस केस को क्लोज करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट जो है उस केस को रद्द कर देगा, कैंसिल कर देगा, यानी कि क्लोज कर देगा। तो ये कौन से अपराध होते हैं? ऐसे अपराधों को कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है। ऐसे अपराध क्या कहलाते हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसमें एडल्ट्री भी शामिल है, एडल्ट्री भी ऐसे अपराधों में शामिल होती है, व्यभिचार जिसे कहते हैं। तो ये सारे कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं जिन पे समझौता एक्स और वाई के बीच, एक्स पक्ष और वाई पक्ष के बीच समझौते की कंडीशन मान्य होती है, यानी कि जिसकी अनुमति होती है, जिन मामलों में इन समझौतों की अनुमति होती है उन्हें ही कंपाउंडेबल अपराध कहा जाता है। अगर जिसमें अनुमति नहीं है, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, तो उसमें किसी तरह की यह नहीं कि आप जो जिसका मर्डर किया है आपने उसके घर वालों के साथ पैसे का कुछ लेन देन करके समझौता कर लेंगे, नहीं, वो आपने लॉ की दृष्टि से उस पर कानून पर आपका कार्यवाही की ही जाएगी या किसी भी पर्सन पर कार्यवाही की ही जाएगी, वो कंपाउंडेबल किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो इस तरह के अपराध कंपाउंडेबल नहीं होते, नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। अब इसमें क्या है? तो औद्योगिक संबंध संहिता यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020, इन दोनों अधिनियमों के तहत कंपाउंडेबल अपराध 1 वर्ष के कारावास या जुर्माने के साथ दंडनीय है। यानी कि कोई भी ऐसा अपराध जो कंपाउंडेबल है, जो कि जिसकी अभी हमने आपको कंडीशन या डेफिनेशन बताई, तो ऐसा कोई भी अपराध जो कंपाउंडेबल हो, भले ही हो, वो अगर उसमें 1 वर्ष का कारावास हो सकता है, यानी कि 1 ईयर इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, और साथ ही भले ही समझौता हो जाए और साथ ही उस पर जुर्माना भी हो सकता है, और इसमें से या ये दोनों भी हो सकती हैं कंडीशन। तो जुर्माने के साथ अपराधों के लिए अधिकतम जुर्माने का 50% और कारावास के साथ अपराधों के लिए 75% की राशि कंपाउंडेबल होगी। यानी कि जुर्माने वाले अपराधों के लिए अधिकतम जुर्माना 50% का समझौता के तहत किया जा सकता है, इसको कंपाउंड किया जा सकता है, और कारावास के साथ अपराधों वाले ऐसे अपराध जिसमें कारावास की सजा होगी, तो उसमें 75% राशि को कंपाउंडेबल किया जा सकता है। तीसरा आधार क्या है? निरीक्षक सह सुविधाकर्ता, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स। तो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की संहिता, स्थिति संहिता 2020, ये सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020, इन तीनों में इसके तहत एक निरीक्षक सह सुविधाकर्ता को नए प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया जाएगा। देखिए, आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस नेबर कोड पॉलिसी के तहत निम्नलिखित में से किस संहिता के अंतर्गत निरीक्षक सह सुविधाकर्ता का प्रावधान नहीं किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, मजदूरी पर संहिता, कोड ऑन वेजेस पर निरीक्षक सह सुविधाकर्ता का प्रावधान नहीं किया गया है। बाकी तीनों पर नए प्राधिकरण के रूप में निरीक्षक सह सुविधाकर्ता का को स्थापित किया जाएगा। इसका कर्तव्य क्या होगा? इसका कर्तव्य उद्योग में कर्मचारियों और नियोक्ताओं, यानी कि आपके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, इनको केंद्र और या उपयुक्त सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या भी जो भी कंसर्न गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट, उनके द्वारा तय किए गए अनुपालन के संबंध में जानकारी देना और रिपोर्ट प्रदान करना इसका निरीक्षक सह सुविधाकर्ता का कर्तव्य होगा, यानी कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स। अब हम एक एक करके चारों कोड को देखते हैं कि चारों कोड में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सामाजिक सुरक्षा पर कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सबसे पहले हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, नियोक्ता और कर्मचारियों को अपने लक्ष्यों का विस्तार करके सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए इस संहिता को पेश किया गया है। यानी कि नियोक्ता आपके एम्प्लॉयर और कर्मचारी आपका एम्प्लॉय, इन दोनों के लक्ष्य, यानी कि इन दोनों के टारगेट, इन दोनों के गोल का विस्तार किया गया है, यानी कि इन दोनों के अचीवमेंट्स का विस्तार करके सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए ये संहिता को पेश किया गया है। इस संहिता के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों को समामेलित करके श्रम कानूनों को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। तो इसके अंतर्गत किस किस कानून को सम्मिलित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, जो 29 अधिनियम है उसमें 9 अधिनियम सामाजिक सुरक्षा पर जोड़े गए हैं, आपके 13 अधिनियम अगले अधिनियम एक में जोड़े गए हैं, 9 में एक में जोड़े गए हैं, 13 अलग एक अलग में जोड़े गए हैं आपका, और इसी तरह 6 अलग जोड़े गए हैं बाकी के 2 में। तो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952, रोजगार कार्यालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959, मातृत्व लाभ अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट इस बार 1961, इसमें क्योंकि कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1961, सीनियर वर्कर्स किसके लिए होता है, फिल्म वर्कर्स के लिए, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, इन सारे 9 के 9 अधिनियम को इस सामाजिक सुरक्षा कोड के अंतर्गत समामेलित किया गया है। अब इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट सीमा के अधीन
कोड किसी भी प्रतिष्ठान पर लागू किया जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी और निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत यानी कि गिवन बाउंड्री लाइंस के अंतर्गत या उस सीमा के अंदर इन कोड को लागू किया जाएगा। एग्रीगेटर्स को विक्रेता या सेवा प्रदाता से जुड़ने के लिए, एक खरीदार या सेवा के उपयोगकर्ता के लिए डिजिटल मध्यस्थ या बाजार स्थान के रूप में संहिता में पेश किया गया है। यानी कि संहिता में किसको जोड़ा गया है? एग्रीगेटर्स को जोड़ा गया है। ये कौन है एग्रीगेटर्स? एग्रीगेटर्स को ये कोड की अनुसूची साथ में उल्लिखित एग्रीगेटर्स की सूची सामाजिक सुरक्षा निधि के उद्देश्य के लिए उनके वार्षिक कारोबार का 1-2% योगदान करेगी। यानी कि कोड की जो है संहिता है जो है इस संहिता की अनुसूची शेड्यूल साथ में उल्लिखित एग्रीगेटर्स जो हैं वो एग्रीगेटर्स क्या करेंगे? वो सामाजिक सुरक्षा निधि के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा निधि सोशल सिक्योरिटी फंड, इस फंड में एक से यानी कि वार्षिक कारोबार का एनुअल टर्नओवर की बात हो रही है, यहाँ नेट प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, एनुअल टर्नओवर वार्षिक कारोबार का 1-2% तक योगदान करेंगे। कौन से फंड में? सोशल सिक्योरिटी फंड में। कौन करेगा? एग्रीगेटर्स। ये किस प्रावधान में किया गया है? इसी अधिनियम का शेड्यूल 7 के अंतर्गत। तो ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। यहां से जो अधिनियम पर क्वेश्चन आएगा न्यू लेबर कोड पॉलिसी पर, इस लेक्चर के बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, ये आप याद रखिए। तो आपके लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तीसरा, केंद्र सरकार प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? जो पार्ट टाइम वर्कर होते हैं, जो कि आपने गिग इकोनॉमी का भी नाम सुना होगा, तो आपको इकोनॉमी के संदर्भ में गिग इकोनॉमी वर्ड भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा चर्चा में है। जैसे कि बहुत ज्यादा जो कंपनीज हैं वो गिग वर्कर्स को हायर कर रही हैं, यानी कि जितना काम होता है उसी के हिसाब से पेमेंट देकर उनको फायर कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है। तो इस तरह गिग वर्कर्स असंगठित कामगारों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम इसके तहत लाभ प्रदान करने के संबंध में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करेगी। यानी कि केंद्र सरकार क्या करेगी? प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं यानी कि रेलवे स्टेशन पर जो काम करते हैं, गिग वर्कर्स यानी कि पार्ट टाइम वर्कर्स जो कि काम मिलने पर काम करते हैं और फिर जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो उनको हटा दिया जाता है, ऐसे वर्कर्स, असंगठित कामगार यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉइज और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत लाभ प्रदान करने के संबंध में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। कोड केंद्र सरकार को यानी कि ये संहिता केंद्र सरकार को अपनी सामाजिक सुरक्षा लाभ योजनाओं को स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या किसी अन्य वर्ग के व्यक्तियों के निर्दिष्ट के रूप में विस्तारित करने का अधिकार देता है। यानी कि ये संहिता में इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि जो ऐसे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि खुद का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जैसे कि कोई दुकानदार है, तो ऐसे लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने का अधिकार ये संहिता प्रदान करती है। आगे है इसमें, नियत अवधि में कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा यथा अनुपात आधार पर ग्रेच्युटी का भुगतान, यानी कि दिए गए अनुपात के आधार पर कर्मचारियों को एम्प्लॉई को नियत अवधि में यानी कि टाइम पीरियड के अंदर, फिक्स टाइम पीरियड के अंदर उनको ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी। पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस बार पत्रकारों पर बहुत ज्यादा हमले हुए, पत्रकार बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं सारे, तो पत्रकार पर जर्नलिस्ट पर क्या किया गया है? जर्नलिस्ट जो है उनको ग्रेच्युटी की अवधि, जैसे कि ग्रेच्युटी की अवधि मैक्सिमम 5 साल के अंतर्गत अंदर देनी होती है कंपनी को, एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी का फंड जो है 5 साल के अंदर, रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर प्रदान करना होता है। लेकिन अब इस अवधि को घटाकर क्या कर दिया गया है? 3 साल के अंदर ग्रेच्युटी की जो राशि है वो पत्रकार को देनी ही होगी। ये स्पेशली पत्रकारों के लिए प्रावधान किया गया है। अब है सामाजिक सुरक्षा संहिता, रोजगार की तलाश करने वाले श्रमिकों को नौकरी की रिक्तियों और व्यावसायिक मार्गदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कैरियर केंद्र की का परिचय देती है। यानी कि एक नया वर्ड कैरियर सेंटर की स्थापना की गई है। ये क्या करेंगे? करियर सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसी भी कार्यालय, किसी भी स्थान या पोर्टल या रोजगार कार्यालय के रूप में कैरियर केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यानी कि कैरियर केंद्र की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया है इस सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। तो इसमें क्या किया गया है काम? इसके अंतर्गत यह किया गया है सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत के केंद्र करियर शब्द कैरियर केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये कैरियर केंद्र क्या होंगे? ये गवर्नमेंट द्वारा कोई भी कार्यालय हो सकता है, सरकारी कोई भी स्थान हो सकता है या पोर्टल हो सकता है या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, रोजगार कार्यालय, जैसे कि आप देखते होंगे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली यूपी में आपको रोजगार कार्यालय या उत्तरांचल में या एमपी में मिल जाएंगे या राजस्थान में भी। तो इस तरह के रोजगार कार्यालय के माध्यम से भी कैरियर केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जहां पर रोजगार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी कि वहां कंपनियां आएंगी, अपना रिक्वायरमेंट बताएंगी रोजगार दफ्तर में और रोजगार दफ्तर सूचित करेगा बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो कि उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि पिछले प्रावधानों में और नए प्रावधानों में अंतर क्या है।
तो निम्न के लिए परिभाषा पहले क्या थी, पिछले प्रावधान में इन चार कंडीशंस के लिए कोई परिभाषा नहीं थी, यानी कि निश्चित अवधि का रोजगार इसके लिए कोई परिभाषा नहीं थी। गृह आधारित कार्यकर्ता यानी कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, यानी कि घरों के अंदर काम करने वाले वर्कर, जैसे कहते नहीं काम वाली भाई, तो इस तरह के वर्कर्स के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। रोजगार का स्वरोजगार वाले यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले, कोई दुकान लिए बैठा है परचूनी की, कोई बीड़ी सिगरेट बेच रहा है, कोई पान का खोखा लिए बैठा है, तो ऐसे लोगों के लिए किसी तरह के प्रावधान नहीं था पिछले वाले प्रावधानों में। और प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता के लिए भी किसी भी तरह की कोई प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन अब क्या किया गया है नए प्रावधानों में, सभी निर्दिष्ट परिभाषाएं सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत सभी प्रावधानों में कर्मचारी की परिभाषा पेश की गई और लागू की गई, यानी कि कर्मचारी की परिभाषा में इन सभी को इंक्लूड किया गया है। अब निश्चित अवधि का रोजगार वाले यानी कि गिग वर्कर्स, जैसे कि हमने देखा गृह आधारित डोमेस्टिक वर्कर्स जो काम वाली बाई टाइप के होते हैं या घरों में काम करते होते हैं, छोटे बच्चे कुछ घरों में काम करते हैं अपने स्कूल टाइम के बाद, स्वरोजगार कार्यकर्ता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे बीड़ी वर्कर्स, आपका दुकानदार, छोटे दुकानदार, तो और प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता जो प्लेटफॉर्म पर जो वेंडर्स होते हैं, रेड़ी वाले लोग होते हैं, रेड़ी लगाते हैं, चीजें बेचते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो इन सभी को इस कर्मचारी की परिभाषा में शामिल किया गया है। अगला है पिछले प्रावधान के अंतर्गत मातृत्व अधिनियम, असंगठित श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम और कल्याण कोष अधिनियम जैसे विभिन्न अधिनियमों में कर्मचारी शब्द की परिभाषा प्रदान नहीं की गई थी, तो इसमें हमने बताया कर्मचारी की परिभाषा प्रदान की गई है। फिर है श्रम कानूनों के सभी पिछले शासन के तहत पिछले सभी रोजगार कानूनों, इसमें एक उद्योग प्रतिष्ठान को रद्द करना और उसका पंजीकरण आवश्यक था, यानी कि रद्द करने के लिए भी सूचित करना होता था और पंजीकरण करने के लिए तो पंजीकरण करना आवश्यक था ही, लेकिन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 3 के अनुसार यदि उद्योग प्रतिष्ठान पहले से ही किसी केंद्रीय श्रम कानून के तहत पंजीकृत है, यानी कि अगर कोई भी नया एस्टेब्लिशमेंट किसी केंद्रीय कानून के तहत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी श्रम लेबर लॉ के तहत पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो उसको नया पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। तीसरा, पिछले श्रम कानून प्रावधानों में किसी में भी सामाजिक सुरक्षा संगठनों और उनके गठन के प्रावधान नहीं थे, लेकिन अब क्या किया गया है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 4 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा संगठन और उसके संविधान की परिवर्तनीय उसके संविधान की परिवर्तनीयता प्रदान की जाती है। परिवर्तन क्या होता है, एनफोर्समेंट प्रदान किया जाता है विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के लिए, निधि प्रशासन के लिए यह आवश्यक है। चौथा पॉइंट क्या है, कर्मचारी जो चेंजेस हुए हैं पिछले प्रावधान में क्या था, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत किसी विशेष नियोक्ता से बकाया राशि तय करने के लिए समय सीमा अवधि का अभाव था, लेकिन अब क्या किया गया है, धारा 125 के अनुसार, सेक्शन 125 के अनुसार 5 वर्ष की एक निश्चित सीमा अवधि निर्धारित की जाएगी, यानी कि सभी कर्मचारियों को 5 वर्ष की निश्चित समय सीमा अवधि के अंदर रिटायरमेंट के बाद उनको ग्रेच्युटी की राशि प्रदान की जाएगी 5 वर्ष की सीमा के अंतर्गत अंतर ही अंदर। लेकिन जर्नलिस्ट के लिए, पत्रकारों के लिए स्पेशल प्रोविजन है कि उनको ये 5 वर्ष की अवधि से घटाकर 3 वर्ष की अवधि कर दिया गया है, पत्रकारों को उनको राशि ग्रेच्युटी की राशि 3 वर्ष की समय सीमा के अंदर प्रदान करना कंपलसरी है। अगला प्रोविजन हम देखते हैं औद्योगिक संबंध संहिता 2020, द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, रिलेशन कोड 2020। ये संहिता अनुपालन बोझ को सरल बनाने और प्रतिष्ठान में यानी कि एस्टेब्लिशमेंट में व्यवसाय करने को की आसानी को बढ़ावा देने का प्रावधान पेश करती है। अब इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है, इसमें तीन लेबर लॉज को इंक्लूड किया गया है, तीन लेबर लॉज जो है पिछले उनको कोडिफाई किया गया है। कौन कौन से, संहिता विभिन्न अधिनियमों को समामिलित करके श्रम कानूनों को सरल बनाने का प्रयास करता है। देखिए कुछ नहीं किया गया है, पिछले के जो प्रावधान थे, पिछले जो अधिनियम थे उनको कोडिफाई कर दिया गया है अलग अलग, जैसे कि मजदूरी पर जितने कानून थे उन सबको एक जगह रख दिया गया है मजदूरी वाली कैटेगरी में, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन पर थे उनको सबको उठाकर इंडस्ट्रियल रिलेशन की कैटेगरी में रख दिया गया है, जो सामाजिक सुरक्षा पर आधारित थे उन सबको उठाकर सामाजिक सुरक्षा वाली कैटेगरी में रख दिया गया है, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ पर आधारित थे उन सबको उठाकर सेफ्टी के और ऑक्यूपेशनल हेल्थ पर रख दिया गया है। तो बस इतना सा काम किया गया है और थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो अमेंडमेंट साथ में कर दिए गए हैं, लेकिन एक चीज ये है कि इन कानूनों को या न्यू लेबर कोड पॉलिसी को एम्प्लॉयर के हक में यानी कि एम्प्लॉयर के फेवर में बनाया गया है, ऐसा राइटर्स का जो आर्टिकल्स आए थे उन दिनों उनका मानना यह है कि ये जो टिल्टेड है यानी कि इससे जो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो एम्प्लॉयर को मिलेगा ना कि एम्प्लॉय को, यानी कि इसमें कर्मकारों को फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए कर्मकारों ने इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की थी, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल अपने टॉपिक को देखते हैं। तो इसमें तीन एक्ट को इंक्लूड किया गया है, पहला है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, दूसरा है ट्रेड यूनियन अधिनियम, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, और तीसरा है औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है,
पहला, संहिता ने इस कोड ने उन प्रतिष्ठानों में एकमात्र वार्ता संघ की शुरुआत की है जहां एक से अधिक ट्रेड यूनियन है। यहां पर ऐसे मतलब ऐसे एस्टेब्लिशमेंट या ऐसे एसोसिएशन, आपकी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंपनीज फैक्ट्रीज जहां पर कंपनीज नहीं बल्कि फैक्ट्रीज ऐसे ये ऐसे संगठन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एस्टेब्लिशमेंट ऐसी फैक्ट्रीज जहां पर कर्मकारों की यानी कि एम्प्लॉय की एक से ज़्यादा संघ है, एक से ज़्यादा एसोसिएशन से या कर्मचार आपके नियोक्ता की एम्प्लॉयर की एक से ज़्यादा एसोसिएशन है वहां एक से अधिक ट्रेड यूनियन है, इस तरह के एकमात्र वार्ता संघ में संहिता की धारा 14 के अनुसार सदस्यों के रूप में 51% या अधिक कार्यकर्ता होने की आवश्यकता है। यानी कि इसमें क्या प्रोविजन किया गया है, सेक्शन 14 के अनुसार इसमें कर्मकार सदस्यों में 51% से ज़्यादा ऐसा किसी भी एसोसिएशन में वहां के कार्यकर्ताओं में 51% से ज़्यादा यानी कि टोटल जितने भी एम्प्लॉई हैं उसमें 51% से ज़्यादा एम्प्लॉई उस एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए। केवल एकमात्र बातचीत करने वाले संघ को नियोक्ता के साथ शर्तों पर बातचीत करने की अनुमति होगी। दूसरा, संहिता कर्मचारियों को नौकरी से निकाले के जाने के बाद उनके रोजगार को सुरक्षित करने का प्रावधान प्रदान करता है। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट का दूसरा प्रोविजन। मुख्य विशेषता क्या की गई है कि अगर किसी कर्मचारी को किसी एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला जाता है तो उनको रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी प्रदान की गई है। नियोक्ता और उपयुक्त सरकार एम्प्लॉयर और कंसर्न गवर्नमेंट इनके योगदान से एक फंड शुरू किया जाएगा। यानी कि एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट जो कंसर्न गवर्नमेंट होगी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो इन दोनों को मिलाकर एक फंड का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। इस फंड से इनको राहत राशि, जिनको कर्मचारियों को निकाला गया है नौकरियों से उनको राहत राशि या एक तरह से भत्ता प्रदान किया जाएगा। तीसरी विशेषता यह है कि औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रेड्रेसल के लिए एक तंत्र का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा जिसमें एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण इंडस्ट्रियल नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और एक या एक से अधिक औद्योगिक न्यायाधिकरण शामिल होंगे। एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल शामिल हो सकते हैं। तो इसमें क्या किसके द्वारा गठन किया जाएगा, यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसका गठन किया जाएगा। संहिता के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति हड़ताल पर जाने से पहले 60 दिन की पूर्व सूचना दिए बिना या नोटिस जमा करने के 14 दिनों से पहले या फिर सुलह यानी कि कॉम्प्रोमाइज या न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही के समापन के 7 दिनों के भीतर अनुबंध के उल्लंघन में हड़ताल और तालाबंदी पर नहीं जाएगा। अब क्या है इसका मतलब, अगर किसी को हड़ताल करनी है, स्ट्राइक पर जाना है तो या तो उसको सबसे पहले 60 दिन पहले यानी कि 2 महीने पहले अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, या नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस देने के 14 दिन के अंदर वो नहीं जा सकता यानी कि 14 दिन तक वो नहीं जा सकता, नोटिस देने के 14 दिन बाद ही वो स्ट्राइक पर जा सकता है। या फिर तीसरी कंडीशन कि अगर कोई उसने ट्राइब्यूनल में केस कर दिया है यानी कि ट्राइब्यूनल में कोई मामला लंबित है, इससे संबंधित स्ट्राइक से संबंधित कोई मामला ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है तो उसके समापन पर यानी कि उसका फैसला आने पर उसका वर्डिक्ट आने पर ट्रिब्यूनल के समापन पर समापन के 7 दिन बाद ही स्ट्राइक पर एम्प्लॉई जा सकता है। यानी कि जब वर्डिक्ट आ जाएगा ट्राइब्यूनल का तो वर्डिक्ट आने के 7 दिन के अंदर अंदर वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकता, 7 दिन बाद ही जा सकता है। तो अगर इनका उल्लंघन पर हड़ताल और तालाबंदी पर नहीं जाएगा। अब इसके कुछ चेंजेस देख लेते हैं कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में किए गए परिवर्तन। पुराने प्रावधान क्या है, पुराने प्रावधानों में अब इन दो कंडीशन के लिए कोई परिभाषा नहीं दी गई थी। कौन सा, निश्चित अवधि का रोजगार यानी कि वही पहला वाला जैसी कंडीशन थी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कोई परिभाषा नहीं थी और दूसरा कर्मचारी की कोई परिभाषा नहीं थी। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में कामगारों की परिभाषा प्रदान की गई थी यानी कि 1947 के एक्ट में कामगारों के लिए परिभाषा प्रदान की गई थी। अब क्या किया गया है नए प्रावधान में, कर्मचारी और निश्चित अवधि के रोजगार दोनों की परिभाषाएं पेश की गई हैं। यानी कि एम्प्लॉय की भी परिभाषा पेश की गई है और निश्चित अवधि वाली यानी कि फिक्स टाइम पीरियड जिनके हैं जैसे कि गिग वर्कर्स, इनकी भी परिभाषा पेश की गई है। और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में कामगार शब्द को बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, कार्यकर्ता। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कामगार शब्द को बदलकर कार्यकर्ता का रख दिया गया है। ये डायरेक्ट भी फैक्ट पूछा जा सकता है को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में कामगार शब्द की परिभाषा को बदलकर निम्न में से क्या किया गया है, कार्यकर्ता किया गया है, कर्मचारी किया गया है, नियोक्ता किया गया है या फिर वर्कर किया गया है, कामगार किया गया है, कुछ भी जो है वर्ड आपको देकर यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है। दूसरा चेंजेस क्या किया गया है, जो पुराना प्रावधान था उसके अंतर्गत एक कामगार को शिकायत निवारण समिति के पास शिकायत लाने की आवश्यकता नहीं थी और वो सीधे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 9C के तहत सुलह अधिकारी के पास जा सकता था। पहले क्या था, पहले ऐसा प्रावधान था कि जो
शिकायत निवारण समिति है यानी कि कंप्लेंट रेड्रेसल कमेटी जो है उसके पास जाने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की सेक्शन 9C के तहत डायरेक्ट सुलह अधिकारी के पास जा सकता था, यानी कि आपका जो सुलह करने वाला अधिकारी था उसके पास जा सकता था। लेकिन अब क्या किया गया है, औद्योगिक विवाद संबंध अधिनियम संहिता 2020 के तहत अब शिकायत निवारण समिति के संपर्क करना अनिवार्य है, यानी कि अब कोई भी एम्प्लॉयर कोई भी एम्प्लॉई डायरेक्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम की 1947 के तहत डायरेक्ट समझौता अधिकारी के पास नहीं जा सकता, अब उसे पहले शिकायत निवारण समिति से संपर्क करना पड़ेगा। तीसरा, एक विशेष कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को पूरा करने के लिए प्रदान की गई समय सीमा का अभाव था पिछले प्रावधान में, अब क्या किया गया है, यह पेश किया जाता है कि इसकी जांच के साथ जांच को 90 दिनों की समय अवधि के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है, यानी कि अब कोई भी जांच जो होगी अगर इन्वेस्टिगेशन है तो उसको 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। समय सीमा कार्यकर्ता के निलंबन की तारीख से शुरू होती है, यानी कि जब एम्प्लॉयर को निलंबन किया गया है यानी कि एम्प्लॉई को निलंबित किया गया है निकाला गया है काम से, तो जिस दिन निकाला गया है उस दिन से तारीख से 90 दिनों की समय सीमा को काउंट किया जाएगा। फिर अगला है, पहले प्रावधान क्या था, चौथा, औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अनुसार स्थायी आदेश केवल 100 या इससे अधिक कामगारों के लिए ही लागू था, लेकिन अब क्या किया गया है, अब स्थायी आदेश की सीमा अब बढ़ा दी गई है, अब ये ऐसे फैक्ट्रीज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एस्टेब्लिशमेंट पर ही लागू होगा जिसमें श्रमिकों की संख्या 300 या इससे ज्यादा है, 300 से कम वाले श्रमिकों पर यह लागू नहीं होगा, इसीलिए इसको एम्प्लॉयर की फेवर में कहा जाता है, यानी कि ये एम्प्लॉयर के फेवर में है, जो नियोक्ता है उसके फेवर में है, कर्मचारियों के फेवर में नहीं है, पहले कर्मचारियों के फेवर में था ये प्रोविजन, क्योंकि इसके अंतर्गत ज्यादा कंपनीज आ जाती थी, अब इसके अंतर्गत कुछ कंपनीज कम हो जाएंगी क्योंकि जो 300 से कम जहां पर श्रमिक है वो कंपनीज इसके अंतर्गत नहीं आएंगी, तो स्थायी आदेश की सीमा बढ़ा दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 300 श्रमिकों पर लागू होगा यह प्रोविजन। अब अगला अधिनियम है हमारा, अगला कोड है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम करने की संहिता कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इसमें क्या है, औद्योगिक और प्रतिष्ठानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य की संहिता को विनियमित और प्रबंधित करने के लिए यानी कि रेगुलेट करने के लिए और आपका प्रबंधित करने के लिए यानी कि मैनेज करने के लिए इसमें क्या किया गया है, संसद में संहिता को पेश किया गया और संहिता विभिन्न अधिनियमों को समामेलित करके श्रम कानूनों को सरल बनाने का प्रयास करता है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें मेनली 13 एक्ट को कोडिफाई किया गया है, इस कैटेगरी के अंतर्गत ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के अंतर्गत 13 कोड टेबर लेबर लॉ को कोडिफाई किया गया है, कौन कौन से, कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, कामकाजी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा शर्तें और विविध प्रावधान अधिनियम 1955, कामकाजी पत्रकार मजदूरी की दरों का निर्धारण अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कामगार अधिनियम 1961, बीड़ी और सिगार कामगार अधिनियम 1966, ठेका श्रम अधिनियम 1970, बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम 1976, अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1979, सिने वर्कर्स और सिने थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981, गोदी कामगार अधिनियम 1986 और भवन, ये बहुत वर्ड सुनते होंगे आप आजकल, गोदी, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996। तो इन सभी को इस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाले कोड के अंतर्गत कोडिफाई कर दिया गया है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, एक अंतर्राज्य प्रवासी कामगार इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर इसका उपकर सहित पोर्टेबिलिटी और राशन के संबंध में लाभ प्रदान किया जाएगा, यानी कि अगर कोई बिहार राज्य का कामगार है और वो महाराष्ट्र चला जाता है तो उसको वहां पर राशन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही पोर्टेबिलिटी की भी सुविधा, यानी कि अगर कोई आवास से रिलेटेड सरकारी स्कीम है सरकारी योजना है तो वो भी इस कामगार को उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा, कर्मचारियों को वर्ष में एक बार निशुल्क नियोक्ता द्वारा स्वास्थ्य जांच की जाएगी, ये कोरोना को देखते हुए बनाया गया है ये प्रोविजन के एक बार वर्ष में एक बार कम से कम निशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी हर एम्प्लॉई को नियोक्ता क्या करेगा एम्प्लॉयर क्या करेगा एम्प्लॉयर उनको क्या करेगा उनकी स्वास्थ्य जांच कराएगा यानी कि उनका मेडिकल फिट टेस्ट कराएगा। तीसरा प्रोविजन क्या किया गया है, नियोक्ता अनिवार्य रूप से कार्यस्थल पर औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी को नियुक्ति पत्र जारी करेगा, यानी कि जैसे कि आप देखते होंगे कि जो लेबर क्लास होती है यानी कि जो मजदूरी इत्यादि करने वाले लोग होते हैं उनको एक फॉर्मली मतलब ओरली उनसे उनको बोलकर रख लिया जाता है कि आप कल से काम पर आ जाइए, लेकिन आप जैसे ऑर्गेनाइज वर्कर है जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाएंगे तो आपको एक मैनेज फॉर्म में रखा जाएगा, आपको एक बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको क्या किया जाएगा ऑफर लेटर दिया जाएगा, ऑफर लेटर के माध्यम से आपको रखा जाएगा, आपको ज्वाइन कराया जाएगा, सारी फॉर्मेलिटीज कराई जाएंगी, लेकिन इनको क्या किया जाता है जो अनऑर्गेनाइज होते हैं उनको एक ओरली बोलकर के मालिक जो है ठेकेदार कह देता है कि कल से आप काम पर आ जाइए। तो अब क्या किया जाएगा, नियोक्ता जो है एम्प्लॉयर जो है अनिवार्य रूप से
औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि फॉर्मेलिटी को बढ़ावा देने के लिए नियुक्ति पत्र जारी करेगा, यानी कि लेबर क्लास को भी आपका ऑफर लेटर जारी किया जाएगा। चौथा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अब क्या किया गया है, नेशनल व्यावसायिक सुरक्षा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड इनका गठन केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनका गठन करेगी। फिर बोर्ड केंद्र सरकार को संहिता के तहत विनियमित स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सलाह देगा। यानी कि ये बोर्ड क्या करेगा, स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड क्या करेगा, ये आपका विनियमित रेगुलेशन यानी कि हेल्थ रेगुलेशन और सुरक्षा यानी कि हेल्थ स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है उनके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित जो इश्यूज हैं उन पर सरकार को, केंद्र सरकार को एडवाइजरी जारी करेगा, सलाह देगा। राज्य व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का भी राज्य स्तर पर गठन किया जाएगा, यानी कि एक गठन सेंट्रल लेवल पर किया जाएगा सेंट्रल हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड का, और एक गठन आपका राज्य स्तर पर स्टेट हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड का किया जाएगा। इसी तरह नेशनल लेवल पर नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन किया जाएगा, और राज्य स्तर पर राज्य स्टेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल रिलेशन या इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब इसमें नए और पुराने प्रोविजंस में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। पुराने प्रावधान में क्या था कि परिवहन, पत्रकारिता, बिक्री इन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए किसी विशेष प्रावधान का अभाव था, लेकिन अब क्या किया गया है नए प्रावधान में, परिवहन, पत्रकारिता, बिक्री के तहत कार्यरत श्रमिकों की छुट्टी की आवश्यकताओं और काम के घंटों के साथ विशेष प्रावधान इसमें निर्दिष्ट किए गए हैं। दूसरा, अवकाश नकदीकरण नीति बताते हुए प्रावधानों का अभाव था, लेकिन अब इसमें क्या किया गया है, कैलेंडर वर्ष के अंत में अवकाश नकदीकरण के संबंधित प्रावधान भी प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। क्या है इसमें, नौकरी के दौरान छुट्टी या बर्खास्तगी, मृत्यु या सेवानिवृत्ति, इसके समय छुट्टी नकदीकरण भी संहिता की धारा 32 के तहत निर्धारित किया गया है, यानी कि इस कोड की सेक्शन 32 के तहत क्या किया गया है, लीव को और उस पर उन पर जो पे मिलेगी या कंपनसेशन मिलेगा उसका भी प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है, यदि कोई कर्मचारी किसी एक कैलेंडर वर्ष में उसे दी गई पूरी छुट्टी का लाभ नहीं उठा पाता है तो छुट्टियों को आगे ले जाने का भी प्रावधान किया गया है। जैसे कि आप देखते होंगे सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको 30 दिन की एक साल में छुट्टी मिल रही है और आप उसे पूरा नहीं ले पा रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 दिन की ही छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष में ली तो आपकी 20 दिन की छुट्टी बची, तो ये क्या होगी 20 दिन की छुट्टी, ये अगले साल 2022 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो यही इसी तरह का प्रावधान, कैरी फॉरवर्ड का प्रावधान क्या किया गया है, ये अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्रीज के लिए भी किया गया है। तीसरा इसमें किया गया है, छुट्टी के दिनों की कुल संख्या जो आगे बढ़ाई जा सकती है 30 दिनों से अधिक नहीं होगी। अब ऐसा किया गया है कि छुट्टियों को कैरी फॉरवर्ड तो किया जा सकता है लेकिन मैक्सिमम 30 छुट्टियां, 30 छुट्टियों को ही कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी की 50 छुट्टियां बची रह गई हैं, रिमेनिंग है, तो 50 के 50 कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सकती, उनको कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 30 छुट्टियों तक ही कैरी फॉरवर्ड का प्रावधान लागू होगा। लेकिन अगर देय मजदूरी के साथ किसी भी छुट्टी को अस्वीकार किया गया है तो बिना सीमा के आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब इसमें दूसरा प्रोविजन क्या है कि अगर कोई ऐसी छुट्टी है जो दे मजदूरी है, यानी कि जिस पर पेएबल है, यानी कि ऐसी छुट्टी जिस पर उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना है, यानी कि छुट्टी के बाद भी पैसा देना है, यानी कि कुछ छुट्टियां ऐसी होती हैं LWP होती हैं, लीव विदाउट पे, यानी कि छुट्टी का कोई पैसा नहीं मिलेगा। कुछ छुट्टियां ऐसी होती हैं जो छुट्टी आप छुट्टी पर भी रहेंगे लेकिन आपकी सैलरी का डिडक्शन नहीं होगा, सैलरी की कटौती नहीं की जाएगी। तो ऐसी छुट्टियां जिसमें सैलरी का डिडक्शन नहीं होगा, ऐसी छुट्टियों को असीमित कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर वो 50 भी हैं, 50 भी बची हुई हैं, तो 50 की 50 को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि महिलाओं के रात्रि पाली में रोजगार के संबंध में प्रावधान का अभाव था पहले, और इसका सबसे ज्यादा आलोचना अब की जा रही है, क्योंकि पहले महिलाओं के लिए रात्रि के पाली में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत नहीं थी, अनुमति नहीं थी, लेकिन अब क्या किया गया है, महिलाओं की सहमति और सुरक्षा और काम के घंटे छुट्टी से संबंधित शर्तों के साथ शाम 7 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक रोजगार के संबंध में प्रावधान शामिल किए गए हैं। यानी कि अब नाइट शिफ्ट में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक, 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक महिलाएं काम कर सकती हैं, इसकी सबसे ज्यादा आलोचना की गई है, क्योंकि आप यहाँ वुमेन सिक्योरिटी का इशू हमारे देश में देखते ही होंगे अक्सर, तो इसी वजह से इसकी सबसे ज्यादा आलोचना की गई है। फिर है कर्मचारियों के ओवरटाइम और उनकी सहमति को कवर करने वाले प्रावधानों का अभाव था पहले, लेकिन अब क्या किया गया है, नियोक्ता के लिए ओवरटाइम काम के लिए कर्मचारी से सहमति लेने का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय से कर्मचारी से
ओवर टाइम कराना है तो ओवर टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे सहमति लेनी पड़ेगी। उसकी सहमति के बिना, उसकी एम्प्लॉय की परमिशन के बिना, यानी कि कर्मचारी की परमिशन के बिना कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से ओवर टाइम नहीं ले सकता। इसके अलावा श्रमिकों को अपने ओवर टाइम काम के लिए दुगना दर मजदूरी प्राप्त होगी। अगर उसे 400 रुपये पर डे मिलते हैं तो उसे ओवर टाइम के लिए 800 रुपये के हिसाब से पेमेंट दी जाएगी। अगला है हमारा मजदूरी पर संहिता, कोड ऑन वेजेस। इसको 2019 पे ही, कोड ऑन वेजेस को 2019 में ही चेंज कर दिया गया था, बाकी को 2020 में किया गया है। मजदूरी बोनस और उससे संबंधित मामलों से संबंधित कानूनों को संशोधित करने और समेकित करने के लिए मजदूरी संहिता 2019 को अधिनियमित किया गया है। इसमें चार कोड को निरस्त किया गया है। कोड चार प्रमुख श्रम कानून अधिनियमों को निरस्त करता है। कौन से है? मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अब इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है, इसमें संहिता मजदूरी शब्द की एक सामान्य परिभाषा प्रदान करती है। वेतन भुगतान अधिनियम 1936, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1948 और बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत दी गई विभिन्न परिभाषाओं के विपरीत मजदूरी शब्द की एक समान परिभाषा प्रदान करने के लिए यह महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया है। यानी कि ये जो तीन अधिनियम है, इसमें जो मजदूरी की परिभाषा अलग अलग थी, उन सभी तीनों की परिभाषाओं को क्या किया गया है, चेंज करके एक समान, एक इक्वल परिभाषा बना दी गई है तीनों प्रावधानों, तीनों अधिनियमों के लिए। वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और बोनस पेमेंट एक्ट 1965। इन तीनों अधिनियमों में पहले वेजेस की जो परिभाषा थी वो अलग अलग थी, अब इन तीनों में एक ही परिभाषा कर दी गई है। दूसरा, नियोक्ता को मजदूरी की गणना के लिए एक मानक अभ्यास का पालन करने और मजदूरी शब्द की कई व्याख्याओं से बचने की अनुमति इसमें मिली है। जैसे कि मजदूरी से बचने की, मजदूरी शब्द की जो कई परिभाषाएं थी पहले हर अधिनियम के लिए अलग अलग, उससे एक तो बचने की भी अब इसमें एक फायदा बेनिफिट मिलेगा कि अब एक समान परिभाषा है मजदूरी की। और दूसरा, मजदूरी की गणना जो की जाएगी, यानी कि कैलकुलेशन जो किया जाएगा, उसके लिए एक मानक अभ्यास यानी कि स्टैंडर्ड पैरामीटर बनाया गया है। अब वो क्या है, अब उसकी विशेषताओं में क्या शामिल है? अगला, संहिता में लागू शर्तों के अनुसार नियोक्ता मजदूरी का भुगतान कुल पारिश्रमिक के 50% से कम नहीं करेगा। यानी कि कुल पारिश्रमिक का 50% से कम कोई भी एम्प्लॉयर मजदूरी का वेजेस का जो भुगतान है वो कुल जो पारिश्रमिक होगा, यानी कि कुल टोटल जो वेज होगा, उसके टोटल वेज से किसी भी हालत में 50% से कम नहीं कर सकेगा। कंपनी की लागत के न्यूनतम 50% में मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल होगा। यानी कि देखिए इसमें क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप में से बहुत से लोगों ने प्राइवेट जॉब की होगी, तो प्राइवेट जॉब में क्या होता है, आपको ऑफर लेटर मिला होगा, ऑफर लेटर में क्या लिखा होगा, CTC, ऑफर लेटर में लिखा होता है CTC 240,000, मान लीजिए 240,000 CTC लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, हो गया कि एनुअल CTC कितनी है, 240,000, इसके हिसाब से आपकी मंथली सैलरी कितनी है, 20,000। लेकिन आपको 20,000 ना मिलकर वो कंपनी कितनी दे रही है, मान लीजिए 15,000 रुपये आपको मंथली सैलरी दे रही है इनहैंड, तो इस हिसाब से तो आपकी 180,000 रुपये टोटल पे बैठेगी साल की, 180,000। लेकिन आपको CTC में कितना लिखा हुआ है, 240,000। तो क्या करती हैं कंपनियां, इस 2,00,000 CTC तो बहुत ज़्यादा दिखाती हैं, और इसके आधार पर कुछ मेडिकल बेनिफिट्स के कुछ पैसा काट लेती हैं, कुछ EPF के नाम पर पैसा काट लेती हैं, कुछ इंश्योरेंस के नाम पर पैसा काट लेती हैं, तो वो काट पीट कर आपके हाथ में 15,000 रुपये रख देती हैं 20,000 की जगह। तो अब क्या किया गया है, तो बहुत सी, ये तो आप ऑर्गेनाइज लोगों के लिए हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो लेबर क्लास है उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। अगर उनको मान लीजिए 120,000 की CTC दिखाई गई है, तो उनको पता चलता है कि लास्ट में साल के आखिर में 40,000 रुपये ही आते हैं उनके पास साल के। तो अब क्या किया गया है कि अगर CTC 120,000 है, तो इसको कोई भी कंपनी किसी लेबर के लिए 50% से कम किसी भी हालत में नहीं देगी। यानी कि मिनिमम उसे 60,000 रुपये सालाना पे करने ही करने हैं एम्प्लॉय को। कंपनी की लागत के न्यूनतम 50% में मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों शामिल होगा। यानी कि इसमें बेसिक पे भी शामिल होगी इस वेतन में, और महंगाई भत्ता यानी कि आपका डियरनेस अलाउंस शामिल होगा। मजदूरी की गणना में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, प्रतिधारण भत्ता शामिल होगा, और इसमें विशेष रूप से मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, वैधानिक बोनस और ओवरटाइम भत्ता और कमीशन शामिल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिए। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कोड ऑन वेजेस मजदूरी पर संहिता अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी मद यानी कि कौन सा आइटम मजदूरी की परिभाषा में के अंतर्गत शामिल नहीं है। आपको दिया जाएगा मकान किराया भत्ता, आपको दिया जाएगा बोनस, आपको दिया जाएगा कमीशन, आपको इसी तरह से 4-5 आइटम दे दिए जाएंगे और आपको चूज करना होगा उपरोक्त में से सही कथन का या सही मदों का चयन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन UPSC पूछ सकती है।
परिभाषा को लेकर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मूल वेतन शामिल है, महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलावेंस शामिल है और प्रतिधारण भत्ता ये शामिल है। बाकी इसमें मकान किराया भत्ता शामिल नहीं है, आपका वाहन भत्ता यानी कि व्हीकल अलावेंस शामिल नहीं है, वैधानिक बोनस शामिल नहीं है, ओवर टाइम भत्ता शामिल नहीं है और कमीशन इस सैलरी में शामिल नहीं होता है। तीसरा, संहिता के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें स्वतंत्र व्यक्ति और 5 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सहित नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्य शामिल होंगे। यानी कि संहिता, इस संहिता में क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार क्या करेगी, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेगी और इस बोर्ड में कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, यानी कि कुछ आपके इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, साथ ही 5 राज्यों की राज्य सरकारों के मेंबर होंगे और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले सदस्य शामिल होंगे। इसी तरह राज्य सलाहकार बोर्ड में स्वतंत्र व्यक्ति सहित नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि सदस्य शामिल होंगे। इसी तरह मतलब स्टेट लेवल पर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा और सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें वेतन संहिता में किए गए परिवर्तन जो है, पुराने प्रावधान और नए प्रावधानों में अंतर देख लेते हैं कि पुराने प्रावधान में यह था कि 5 साल के अंतराल में राज्य या केंद्र सरकार को न्यूनतम वेतन में संशोधन करना होगा। अब क्या किया गया है कि न्यूनतम वेतन में संशोधन के लिए राज्य या केंद्र सरकार 5 साल से अधिक की अवधि नहीं होगी। यानी कि 5 साल के अंतराल में, पहले प्रावधान में यह था कि 5 साल के अंतराल में न्यूनतम वेजेस में चेंजेस करनी होंगी, अब यह है कि 5 साल में ही आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। दूसरा, नियोक्ता शब्द की परिभाषा में कोई भी व्यक्ति शामिल है जो एक प्रतिष्ठान में या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करता है। यानी कि एम्प्लॉयर की परिभाषा में वो सभी व्यक्ति आएंगे जिसमें जिन्होंने या जिनके कहने पर जिन्होंने किसी व्यक्ति को उस कंपनी में नौकरी दिलाई है। अब क्या किया गया है नए प्रावधान में, नियोक्ता की परिभाषा में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक या एक से अधिक व्यक्तियों को एक प्रतिष्ठान में नियुक्त करता है। यानी कि अगर किसी आप कंपनी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है कोई और वो अपने रेफरेंस पर किसी अपने जान पहचान वाले को नौकरी पर रखवा देता है कंपनी मालिक से कहकर या फैक्ट्री मालिक से कहकर, तो वो भी नियोक्ता की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसलिए नियोक्ता की परिभाषा में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से रखने एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नौकरी दिलाने वाले लोग शामिल होंगे। पहले अगला प्रावधान क्या है जो पहले था, संहिता एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का प्रावधान करती है जिसमें पहले एक नियोक्ता, कर्मचारियों की समान संख्या में नियोक्ता और स्वतंत्र व्यक्ति कुल सदस्यों के एक तिहाई से अधिक नहीं, ये शामिल होते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड क्या प्रावधान करता है, एक नियोक्ता का, नियोक्ता उसमें होंगे, नियोक्ता के रूप में समान संख्या में कर्मचारी, स्वतंत्र व्यक्ति जो कुल सदस्यों के एक तिहाई से अधिक नहीं होंगे और केंद्र सरकार द्वारा नामित राज्य सरकारों के 5 प्रतिनिधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप उसका कंपोजिशन के सलाहकार बोर्ड की कंपोजिशन क्या होगी, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए सलाहकार बोर्ड में कौन कौन लोग शामिल होंगे, यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा, इसमें प्रोविजन है, था पहले कि वेतन भुगतान अधिनियम केवल 24,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन वाले कर्मचारियों पर लागू था। अब क्या किया गया है, मजदूरी पर संहिता के तहत प्रायोजिता के लिए ऐसी प्रारंभिक सीमा को हटा दिया गया है। यानी कि एनफोर्समेंट के लिए क्या किया गया है कि ये जो सीमा थी 24,000 रुपये की, ये सीमा को हटा दिया गया है। इसलिए संहिता सभी कर्मचारियों पर लागू होगी, चाहे मासिक वेतन कुछ भी हो, उनका मासिक वेतन कुछ भी हो, उन सभी अब सभी कर्मचारियों पर ये संहिता कोड ऑन वेजेस लागू होगा। अब यही हमारा पूरा लेक्चर था, इसमें कुछ निष्कर्ष देख लेते हैं। हालांकि हमारा एग्जाम परस्पेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये निष्कर्ष, ये हमारा IAS मेंस की परस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट है कि नया श्रम संहिता उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए बेहतर नियमों को समायोजित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों और विशेष प्रावधानों का परिचय देता है जिससे उद्योगों को लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा इस तरह के कानूनों के संहिताकरण यानी कि कोडिफिकेशन और समेकन्य कानूनों के दायरे और प्रायोजिता होता है एनफोर्समेंट, इसका विस्तार, अनुपालन में आसानी, परिभाषाओं की बहुलता को हटाने और अधिकारियों के लिए ओवरलैपिंग की जो समस्या थी इसको भी खत्म करने की अनुमति इससे मिली है। यानी कि अनुपालन में भी आसानी होगी क्योंकि पहले बहुत सारे कानून थे तो उनमें डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था अधिकारियों के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी, और अब इसको आसानी होगी क्योंकि कोडिफाई कर दिया गया है अलग अलग, वेजेस के लिए अलग, सेफ्टी के लिए अलग, इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए अलग और हेल्थ के लिए अलग, इस तरह का अब इनको कोडिफाई कर दिया गया है, तो इसलिए सरल बन गए हैं। नियमों का नया सेट नियोक्ता, कर्मचारी, सरकार के बीच संबंधों को सशक्त करेगा और उद्योग पर सकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इसका और व्यापार करने में आसानी में विचार में योगदान होगा। यानी कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एतबार से इसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभकारी भविष्य में सिद्ध होगा। तो हमारे आज के लेक्चर में इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको 2 से 3 बार देखिए, यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।